हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? तो अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह है टर्मिनल 3 और टाइम हो रहा है अराउंड 1 AM। मेरी 5 बजे की फ़्लाइट है, तो मैंने सोचा बहुत टाइम है मेरे पास, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपनी जर्नी। तो ये एक मैं पूरी सीरीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग यूरोप ट्रैवल करेंगे और मैं पहले यूरोप जा चुका हूँ। अभी मेरी फ़्लाइट होगी 5:30 बजे यहाँ से स्पेन, और मैं सारी डिटेल्स आपको धीरे धीरे देता जाऊँगा हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, तो बस अब इसका स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं अपनी जर्नी। तो दोस्तों, अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है अभी, क्योंकि 1 साल पहले मैंने यहीं से अपनी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट की थी। मैं यूरोप गया था स्पेन के थ्रू, और आज ठीक 1 साल बाद मैं वही करने वाला हूं। मैं यूरोप जा रहा हूं, स्पेन के थ्रू ही जा रहा हूं, बट एयरलाइंस डिफरेंट है। तो हाँ, और इसी कैफ़े के पास मैं बैठा था और आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहा था। तो हाँ, वही फीलिंग्स आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हो कि उस समय मेरा कैसा कॉन्फिडेंस था, अभी कैसा है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ की वाइब्स मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एयरपोर्ट भरा भरा है 2 बजे भी, और जो बोर्डिंग शुरू होने वाली है वो अराउंड 2 बजे 2:30 बजे शुरू होगी, और अभी 1 बज रहा है। तो बस मैं बोर्डिंग का वेट कर रहा हूँ और फिर आपसे। तो दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल था कि ये कोविड में ट्रैवलिंग का क्या सीन है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितनी रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। फिलहाल सबसे पहले बताता हूँ मैं अपनी फ़्लाइट के बारे में। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सऊदीया एयरलाइंस इस बार, पिछली बार कतर एयरवेज पे था, इस बार सऊदीया एयरलाइंस है। एंड मैं फ़्लाइट की डिटेल्स दूँ आपको, तो मेरी फ़्लाइट यहाँ से 6 बजे होगी एंड 9 बजे जेदाहा पहुँच जाएंगे। अराउंड 5:30 आवर्स का मेरा ट्रैवल टाइम है, और उनके टाइम जोन के हिसाब से सुबह 9 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा सीन है। उसके बाद मैं वहाँ से 1 घंटे का लेओवर है और 10 बजे वहाँ से बोर्ड करूँगा। 3 बजे बार्सिलोना टाइम जोन के हिसाब से मैं बार्सिलोना पहुँच जाऊँगा, तो ओवरऑल 12.5 घंटे का मेरा ट्रैवल टाइम है। तो ये सऊदीया एयरलाइन से टोटल मैं एंड टू एंड कवर कर रहा हूँ। तो ये हुआ एयरलाइंस। टिकट कितने की पड़ी? तो दोस्तों, देर इज़ अ ट्रिक टू यू नो बुक अ चीप टिकट, तो मैं वो आपको शेयर करता हूँ। तो मैंने ये स्काई स्कैनर से बुक की थी। स्काई स्कैनर में अगर मैं बाहर देखता हूँ, ब्राउज करता हूँ नॉर्मली, तो मुझे 70,000-80,000 का प्राइस दिखा रहा था, बट कतर एयरवेज से स्काई स्कैनर से किया मैंने, तो मुझे 40,000 में ये टिकट्स मिल गई। तो हाँ, बहुत चीप टिकट मिली और आई वॉज़ हैप्पी, तो मैंने जल्दी से बुकिंग कर ली। एंड अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड थे। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो दोस्तों, बस 3 ही चीज़ इन्होंने मांगी, और एक था पासपोर्ट विद स्टैम्प, तो वो तो नॉर्मल है, सबके पास होना चाहिए, तो वो है मेरे पास। दूसरा मेरा फ़्लाइट टिकट, और तीसरी चीज़ इन्होंने मेरे से मांगी मेरा कोविन सर्टिफिकेट। कोविन सर्टिफिकेट में दोनों डोज होना कंपल्सरी है, तो ये चीज़ें लाना था। जिसके पास दोनों डोज नहीं है उसको फिर अपना कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेके आना था। तो बस इतना सा है। इन्होंने मेरे से मास्क नहीं मांगा, इन्होंने कुछ नहीं मांगा अभी तक एंट्री में, सब कुछ बहुत लीनियंट हो गया, और मुझे अच्छा लग रहा है कि सारी रिस्ट्रिक्शन खोल दिए इन्होंने। दोस्तों, ऑनबोर्डिंग के पास हम पहुंचे इमिग्रेशन के लिए, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। कुछ लोग तो लगभग बैठ गए थे वहीं पे। हाँ, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इमिग्रेशन में क्या होता है। यहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं, पीछे कैमरा लगा होता है, आपका पासपोर्ट स्कैन किया जाता है, आपसे रीजंस पूछा जाता है क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो सारी चीज़ें अगर उन्हें सही लगती है तो वो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा देते हैं और आप पीछे सिक्योरिटी के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, 1 घंटा इमिग्रेशन में लगने के बाद अगर लगता है मुसीबत ख़त्म हुई है तो नहीं, सिक्योरिटी में उससे भी ज़्यादा भीड़। बट ये है, जल्दी जल्दी लोग आगे बढ़ रहे थे, सिक्योरिटी में भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। फिर हाँ, सिक्योरिटी में आधा घंटा खड़े हुए, सारा सामान चेक किया, उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। Thank you.
दोस्तों सिक्योरिटी ख़त्म होने के बाद मैं आ गया सबसे फेवरेट प्लेस पे अपनी, जो कि है यहाँ प्रीमियम लॉन्च। तो प्रीमियम लॉन्च में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास प्रायोरिटी पास है तो आप यहाँ आके यहाँ पे फ्री सर्विस उठा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आया और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने पहले डिनर किया जो कि बहुत अच्छा था। आपको यहाँ ड्रिंक्स भी अवेलेबल है, आपको वोडका विस्की जो चाहिए वो मिल जाती है। उसके बाद मैंने चाय पिया यहाँ पर और उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था तो इडली भी खाई जो कि मेरा फेवरेट है। बस ये फ्री सर्विसेज उठाने के बाद हम आगे बढ़ते। तो दोस्तों बस अब निकल गए हैं, लॉन्च हमने छोड़ दिया है। बहुत मज़े उठाए, खाना पीना जम के खाया, चाय भी हो गई। बस अब हो रहे हैं 5:30 और ऑनबोर्डिंग का टाइम हो गया। तो मैं चलता हूँ ऑनबोर्डिंग करता हूँ। हालाँकि ऑनबोर्डिंग 5 बजे थी बट वहाँ पर स्टेटस दिखा रहा था अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं बस अब जल्दी से अपनी गेट की तरफ जा रहा हूँ और अपना फ्लाइट बोर्ड करता हूँ। Soft as the cotton you lie. Times we got hard like a knife. You and I, our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning. You and I. दोस्तों खाने की बात की जाए तो मेरा थोड़ा कट गया था यहाँ पे। मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं सबसे पीछे बैठा था तो मेरा टर्न आते आते वेज खाना ख़त्म हो गया था। तो मैंने ये नॉनवेज खाना दिया जो मैंने रिटर्न कर दिया। बाद में इन्होंने मुझे सैंडविचेस दिए, कोल्ड ड्रिंक्स दिए थे, बस हम वही खाया। बाकी फ़्लाइट की बात की जाए तो बहुत अच्छी थी फ़्लाइट ओवरऑल। यहाँ से नज़ारे भी बहुत अच्छे अच्छे दिखे जो मैंने थोड़े कैप्चर किए। दोस्तों यहाँ था मैं बहुत जल्दी में क्योंकि 1 घंटे में मुझे दूसरी फ़्लाइट पकड़नी थी जो कि घटकर हो गया था आधा घंटा क्योंकि फ़्लाइट डिलेट थी। और मुझे इस मोमेंट पे लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ पक्का होगी, जो कि हुई भी, वो आपको आगे बता चलेगा। मेरा लगेज नहीं पहुँच पाया था, उसका मैं डिटेल में आपको बताऊँगा क्या हुआ, बट आगे देखते हैं। दोस्तों ये फ़्लाइट बहुत बढ़िया थी जो स्पेन जा रही है। ये थोड़ी खाली भी थी और इसमें हमें आते ही वेलकम किट दिया जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शानदार सा वेलकम किट दिया इन्होंने हमें जैसे ही हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो इस वेलकम किट में क्या क्या है? इस वेलकम किट में आता है सर आपको ब्रश दिया, डेंटल किट आपकी, यहाँ पर सॉक्स दिया जिसमें कि फ़्लाइट के वो बने हुए थे, और फिर आपको आई पैड दिया। तो उसको आप आँख में लगाइए और सो जाइए मस्ती से। तो हाँ बहुत अच्छी थी और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। खाना पीना बहुत अच्छा मिला जो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मिला वेज खाना जिसमें मैंने पास्ता लिया, थम्बस लिया, जूस लिया और बहुत अच्छा ब्रेड था। तो हाँ बहुत फुल हो गया था मैं इसको खाते ही, उसके बाद मैं सो गया आराम से। जस्ट अभी लैंड किया है और बस बहुत नॉस्टैल्जिया सा फीलिंग हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके इतने टाइम के बाद। एंड मैं अगर एयरलाइंस का कंपेयर करूँ जो कि मेरे को करना था तो यार कतार बेस्ट है सऊदी एयरलाइंस से। एज एन लाइक छोटे मोटे डिफरेंस है बट स्टिल अगर मेरे को चूज़ करना हुआ तो कतार चूज़ करूँगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि सऊदी एयरलाइंस और कतार एयरवेज में कौन सा ज़्यादा अच्छा था तो मैं इसके पे भी एक डिटेल वीडियो लाऊँगा और मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगा उसका लिंक जब आ जाएगी वो। तो हाँ उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो नोटिस की वो आपके साथ शेयर करूँगा, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रीजंस भी बताऊँगा आपको। फ़िलहाल यहाँ से जल्दी से चलते हैं इमिग्रेशन कराने और फिर बाहर निकलते एयरपोर्ट के। तो
तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे लगेज कलेक्ट जहाँ करते हैं उस बेल्ट के पास खड़ा हूँ, और मेरा लगेज अभी तक आया नहीं। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ उस समय तक मैं आपको बता दूँ मेरा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ रहा, और मैं सोते हुए आया, कम लोग थे तो अच्छे से आ गया मैं, एंड खाना पीना भी बहुत बढ़िया था तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इमिग्रेशन में भी बहुत बहुत ईजली हो गया, सिर्फ 2 मिनट लगे, 2 सवाल किए, रिटर्न टिकट मांगा। सवाल ये थे कि पर्पस क्या है और कब वापस जा रहे हो, बस इतना सा ही सवाल किया, तो बहुत स्मूथ हुई इमिग्रेशन और जल्दी से मैं यहाँ आ गया लगेज कलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ लगेज अभी तक आया नहीं है, एंड बेल्ट भी बंद हो गई है, तो थोड़ा सस्पेक्ट हो रहा है क्योंकि 1 ही घंटा था मेरे 2 कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच में, तो आई एम नॉट श्योर लगेज आएगा कि नहीं। तो जो भी होगा मैं शेयर करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं इतना ही, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ से बाहर निकलना है, अपने दोस्त से मिलना, उसके घर चलेंगे, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी और जो रह गई होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। होप आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टेक केयर, टाटा।